बहुत पैसे लगे। मैक्सिमम कितने लगे? बहुत पैसे लगे। कितने लगे? 5 मिलियन तक लग चुके इसके। 5 मिलियन? 5 मिलियन तक लग चुके हैं मोनालिसा के। बेचूंगा नहीं इसको, कुर्बानी करूंगा खुद। क्योंकि शौक तो होगा कुर्बानी के साथ। लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं घरों में, 5 मिनट लग के मोबाइल ले लेते हैं एक मिनट के अंदर, और जब जानवर की बारी आती तो उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं। इसके साथ हमने बहुत मोहब्बत से इसको पाला है, मतलब सब बछड़ों में इसको बहुत बहुत मोहब्बत दी है। मैं घर आके फिर रहूँगा, लेकिन उस वक्त छुरी मेरे फिरते मुझे कुछ भी नहीं होगा, ईमान है मेरा पक्का। ये अभी कटेगी उस टाइम तो इंशाल्लाह बाहर ही रहेंगे हम लोग, अंदर तो जाएंगे नहीं इसको कटते हुए देखने के लिए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल पाकिस्तान में खुशामदीद, और मैं हूँ आपकी मेज़बान महाम ज़रा। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में जिस तरह की नस्ल के मैं आपको जानवर दिखाने वाली हूँ वो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बहुत गोरी चिट्टी सी खूबसूरत हसीन तरीन बछिया मौजूद है, जिसका नाम भी इसकी खूबसूरती को देखते हुए रखा है। इसका नाम रखा है मोनालिसा। इसकी सबसे पहली खासियत यह है कि ये इसको दिन में नज़र नहीं आता, ये सूरजमुखी है, इसको दिन में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और इस तरह के यहाँ पे आपको एक ड्रामा PTV का याद होगा, जिसके करेक्टर आपको बचपन में देखने को मिले थे, लेकिन आज इन करेक्टर्स को देख के, इन जानवरों को देख के आपको उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। यहाँ पर ज़कूटा जिन भी मौजूद है, यहाँ पर बिल बतौड़ी भी मौजूद है, यहाँ पर चिली मिली भी मौजूद है, तो आइए आपको मिलवाते हैं इन सबसे। इस वक्त मेरे साथ मामू भांजा कैटल फार्म के ओनर मौजूद है, और इनसे बात करते हैं कि आखिर इतने यूनिक नाम और इतने यूनिक से जानवर इन्होंने कैसे जो है इनकी परवरिश करी है, कैसे इनको खिला पिला के बड़ा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, सबसे पहले तो ये जो तीनों चारों जानवर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त कराची के सबसे मुनफरिद जानवर हैं, आप जो है कहाँ से इनको लेकर आए थे, कितने बड़े लेकर आए थे? मैम ये मोनालिसा तो 3 साल पहले मैंने मंडी से खरीदी थी, कराची मंडी से, इसी वक्त खरीदी थी, आज से पूरे 3 साल पहले मंडी से मुझे मिल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पलवाई अच्छी, और इस साल कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह इसकी, इंशाल्लाह। और ये जो ज़कूटा जिन है, ये ज़कूटा आज से 2 साल पहले पूरे मैं मंडी से लेके आया था, इसी कराची मंडी से, और ये हमारे आबिद भाई हैदराबाद वाले, उनसे ख़रीदा था ये, और इस साल इंशाल्लाह उसकी कुर्बानी करेंगे। और ये बिल बतौड़ी हमारी, बिल बतौड़ी पिछले साल ली थी मैंने आबिद भाई से, और इस साल कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। ये नाम जो है इनके किसने रखे? मैंने खुद रखे। आपने खुद रखे, क्या सोच के रखे इनके नाम? बस मोनालिसा ब्यूटी पे रखा है, जो मोनालिसा का नाम है ब्यूटी पे इतना मशहूर, ज़कूटा उसकी हैबत पे रखा है मैंने। बिल बतौड़ी मारती बहुत है, और चिली मिली छोटी है तो उसका नाम चिली रखा है। आप बताएं इनकी खुराक क्या है, क्या इनको खिलाते पिलाते हैं? खुराक नॉर्मल डाइट होती है, देसी सारा खाना खिलाते हैं, बस इस पर स्पेशल ये कि दूध वगैरह एक्स्ट्रा चलाते हैं हम लोग, दूध है, घी हो गया, तेल हो गया, बादाम पिस्ते नहीं खिलाते, काजू नहीं खिलाते, बस ये खिलाते हैं जो नॉर्मल चीज़ होती है, दूध एक्स्ट्रा पिला देते हैं ताकि जानवर अपनी फैट पकड़ लेते हैं एक तरीके से। नॉर्मली जो लोग बातें कर रहे होते हैं कि हम अपने जानवरों को शीरमाल खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, देसी घी खिला रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई होती है कोई? देसी घी तो नहीं, नॉर्मल घी जो होता है वो खिलाता हूँ, मैं भी खिलाता हूँ, शीरमाल नहीं खिलाते और मक्खन खिलाते हैं, सब खिलाते हैं। वैसे ये आप जिसको मोनालिसा को 3 साल पहले कितने का खरीद के लाए थे? मैंने ली थी बछड़ी ये 3 साल में 3.5 लाख रुपये की, 3,60,000 रुपये की मंडी से। बाकी ये ज़कूटा जेन बिल बतौड़ी चिली मिली मैंने तकरीबन इतने का लिया था, चिली मिली मैंने पिछले 2 लाख रुपए की ली थी, पिछले साल ज़कूटा भी तकरीबन 3.5 लाख रुपए में लेके आया था पिछले साल मंडी से। आपने इसी नियत से पाला इनको कि इनकी कुर्बानी करेंगे? कुर्बानी की नियत, मेरे साथ यही मसला है, मेरे को अच्छी पसंद आ जाए लेते ही कुर्बानी की नियत। आपको फिर इतने दिन से पाल रहे हैं, इनके साथ हैं, मोहब्बत हो जाती है जानवर से, आप कुर्बानी करेंगे तो उस वक्त क्या आपके जज्बात होंगे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये, और ये कुर्बानी नाम ही सीखा है, बस खत्म हो गई बात, इससे कोई बड़ी बात नहीं है ना। अभी ये बताएं कि इनको कोई खरीदने आया हो, किसी को पसंद आ गई हो, किसी ने रेट लगा दिए हो इनके? बहुत पैसे लगे। मैक्सिमम कितने लगे? बहुत पैसे लगे। कितने लगे? 5 मिलियन तक लग चुके हैं इसके। 5 मिलियन? 5 मिलियन तक लग चुके हैं मोनालिसा के। बेचूंगा नहीं इसको, कुर्बानी करूंगा खुद। और बाकियों के? बाकियों किसी के 10, 12, 13 लग चुके हैं, लेकिन वो कुर्बानी की नियत हो गई ना, फिर वो जानवर बेचना नहीं चाहिए कभी भी, अल्लाह को देते वो अच्छे आदमी। और इसकी कुर्बानी आपने पहले दिन करनी है? पहले दिन अपने हाथ से छुरी खुद फेरूंगा इंशाल्लाह। मोहब्बत कितनी करते हैं इससे? बहुत। अच्छा ये बताएं, जो ये कैटल फार्म का नाम है मामू भांजा, ये किसने रखा था? ये मेरे मामू हैं एक, अयूब भाई उनका नाम है, ये मामू उनको बोलते हैं, भांजा लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन अब चूँकि मैं खुद उम्र बढ़ती जा रही है तो मेरे भांजे भी अब तैयार हो रहे हैं। कितने साल हो गए कैटल फार्म आपको चलाते? 15 साल तक।
15 साल हो गए। अच्छा ये बताइए, जो हमारी मोनालिजा है ये एक तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से, ये इसकी नस्ल कौन सी है? ये एल्बिनो ब्रीड है, इसको दिन में नज़र नहीं आता, बिल्कुल नज़र नहीं आता, बहुत नाजुक, इसको पालना आसान नहीं है, टकरा जाती है चलते चलते, बुरा उसको जल्दी लग जाता है, इसको पालना वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक ने इज्जत रख ली, पलवा लिया था। और बाकी ये जो है हमारे बिल बतोड़ी जकूटा जिन, बिल बतोड़ी मारती बहुत है, और ये कंक्रोच ब्रीड है, यहाँ की नहीं है, ये आई है साहिवाल से। अच्छा। ये हमारे हमजा भाई हैं साहिवाल से, उन्होंने मुझे गिफ्ट भिजवाई है, और मेरे भाई की कुर्बानी की, आरम भाई की। अच्छा। उनकी कुर्बानी की। और चिली मिली हमारी जो है वो कौन सी नस्ल की? चिली मिली गहनी नस्ल है, ये कुछ फॉल्ट जानवरों में रह जाते हैं जो इनके कच्छ छोड़े रह जाते हैं, तो वो फिर आजकल मशहूर हो गया गहनी गहनी, लेकिन ये असल में फॉल्ट ही एक तरह से कद इनका छोटा है, जैसे बच्चे छोटे रह जाते हैं ना ऐसा इनका भी, लेकिन अभी फैशन बन गया हर घर में गहनी चाहिए। अच्छा, ये है कितने साल की? गहनियों का मैं ही लेके आया हूँ कराची में। अच्छा, ये है कितने साल की? ये पूरी हो गई, पूरे चार दांत की है। चार दांत की, इसकी भी कुर्बानी करनी है आपने? इंशाल्लाह बिल्कुल कुर्बानी करनी है। अच्छा, ये एक साथ में आपने इसके स्लोगन लगाया हुआ है शौक तो होगा, ये इसका क्या मतलब है? शौक तो होगा, असल तो देखें इसका जो मतलब है वो मैं लगाना भूल गया हूँ, शौक तो होगा कुर्बानी के साथ। अच्छा, लेकिन वो रह गया अब ये चल पड़ा, वरना मेरा असल ये था कि शौक तो होगा कुर्बानी के साथ। लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं घरों में, 5 मिनट लग के मोबाइल ले लेते हैं एक मिनट के अंदर, और जब जानवर की बारी आती तो उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है, ये हलाल चीज़ है, इस पर शौक करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक जानवर करे आदमी जो अल्लाह पाक ने साथ दिए ज़रूर करना चाहिए, अपने हाथ से पालना, अपने हाथ से कुर्बान करना, अपने हाथ से खिलाना, इसका मज़ा और शौक अलग है, ये पता अभी चलेगा जब आदमी ऊपर चले जाएगा, अभी पता नहीं चलेगा, ये आसान नहीं है। आप खुद कह रही हैं कि इतनी बड़ी खुश हसीन बढ़ी है, इस पर छुरी कैसे फेरूंगा, लेकिन मैं बड़े दिल से छुरी फेरूंगा इसको इंशाल्लाह, फिर मैं आके रहूंगा, सब कुछ है, मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा उसके बाद, मैं घर आके फिर रहूंगा, लेकिन उस वक्त छुरी मेरे फिरते मुझे कुछ भी नहीं होगा, ईमान है मेरा पक्का, ये अल्लाह के लिए पाली और अल्लाह को देंगे इंशाल्लाह। सबसे ही बहुत मोहब्बत, सबसे झाम पे मेरे पास इस साल मैंने 150 माल जानवर पाला है, और सबसे यकसा मोहब्बत है, ये कि नहीं इसी से मोहब्बत है, सबसे यकसा मोहब्बत है, लोगों को पाल के दिए कुर्बानी के लिए, सबको सबसे एक जैसी मोहब्बत। आप हर साल इसी तरह के यूनिक जानवर लेके आते हैं? शेर की भी जो मेरी बहड़ी है वो भी सूरजमुखी है। अच्छा। अब मैं इसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, वो भी इससे भी खूबसूरत है। अच्छा, जी इससे भी खूबसूरत है, वो भी पाकिस्तान में एक ही है। इस वक्त मेरे साथ अजीज़ भाई मौजूद हैं, जिन्होंने छोटी सी मोनालिजा को पाल कर आज माशाल्लाह से इतना बड़ा कर दिया है, इतना खूबसूरत कर दिया है। इनसे बात करते हैं कि जब इसकी कुर्बानी होगी, जब इनके क्या जज्बात होंगे। भाई बताइएगा कि कितनी मोहब्बत से, कितना छोटा सा आपने इसको पाला है? बस ये तो हमारा एक शौक था, इसके साथ हमने बहुत मोहब्बत से इसको पाला है, मतलब सब बछड़ों में इसको बहुत बहुत मोहब्बत दी है इसको। जब ये कटेगी उस टाइम तो इंशाल्लाह बाहर ही रहेंगे, हम लोग अंदर तो जाएंगे नहीं इसको कटते हुए देखने के लिए, क्योंकि 3 साल से इसको पाल रहे और बहुत दिल लगा हुआ है इसके साथ, क्योंकि ये बछड़ी किसी से भी काबू नहीं आती है। अच्छा। कुदरती बात है कि हमारे सूंघती है सिर्फ मुझे, क्योंकि इसको दिन को नज़र नहीं आता, ये जिसके साथ भी कड़ी होगी उसको मारेगी, लेकिन इसको दिन में नज़र नहीं आता, सामने में सिर्फ कड़ा हो जाऊँ ये खुद ब खुद कड़ी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी मोहब्बत के साथ अपने जो इसके मालिक हैं, जो इसके सब करने वाले हैं, इसको पालने वाले हैं, उनके साथ कितनी मोहब्बत के साथ खड़ी हुई है। जिस दिन कुर्बानी होगी उस दिन क्या जज्बात होंगे, क्या फीलिंग्स होंगे? हम खुद बाहर चले जाएंगे, इंशाल्लाह होंगे नहीं इसके सामने। ये कितनी मोहब्बत करती है आपसे? ये भी इसी देखो आपके सामने छिपकी रहेगी, जब तक हटूंगा नहीं इसी तरह रहेगी, रस्सी खोलूंगा पीछे ही आएगी, कहीं और नहीं जाएगी, आती रहेगी पीछे। तो दिन में इसको नजर नहीं आता, तो किस तरह इसको फिर लेके चलते हैं, किस तरह पाला है? सारे पे चलती है, अपनी रस्सी जो होती है ना उसके सहारे पे चलती है। बहरहाल इसको धूप में तो हम लोग खड़ा ही नहीं करते थे, क्योंकि सारा दिन खाते पे होती, पानी पीने आती थी तो रस्सी के सहारे पे जाती है। इसकी रस्सी जब भी चेंज करते तो 3 दिन पहले नई रस्सी लगाते फिर ताकि पुरानी रस्सी फिर 3 दिन बाद हटाते, चलती है रस्सी के सहारे पे। या ये देखो सूंघती रहेगी, इधर आ जाएगी, और किसी के साथ ऐसा नहीं करती, नहीं जाएगी कभी भी, नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं नहीं जाएगी। नाज़रीन ये बात ठीक है, कहते हैं कि जानवरों को भी जो है ना वो अपने जो मालिक होते हैं, जो उनको पालने वाले होते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत हो जाती है। इसकी मिसाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये उनके साथ चिपकी हुई है, कितनी मोहब्बत से उनके साथ है, और ये बता रहे हैं कि इस तरह से किसी के साथ नहीं रहती है, और इसको दिन में नज़र नहीं आता, और इसको पालना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल घड़ी वो होगी जब इसकी कुर्बानी होगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत तो कोई लड़की भी नहीं होगी, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये है हमारी चिली मिली, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और ये बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा फुर्तीली हैं, ये बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, ये जो इन्हें इनको रस्सी खोल के कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये फ़ौरन से भाग जाती हैं।
इसलिए इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी बोलते हैं और इसका नाम जो है वो चिल्ली मिली रखा है। ये हैं हमारे ज़कूटा जिन, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनके सींग, और ये भी छोटे कद के हैं और ये भी बहुत लड़ाकू हैं, ये सबसे लड़ते रहते हैं यहाँ पे। और देखें आप कि ज़कूटा जिन का नाम कितना सही रखा है, ये लग भी बिल्कुल वैसे ही रहे। ये है हमारी बिल्बतोड़ी, जैसा इनका नाम है वैसी इनकी सूरत है। और ये मैं इनके करीब इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये बहुत गुस्सैल हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी आप देख सकते हैं ये कितने गुस्से में खड़ी हुई हैं और माशाल्लाह से इनके सींगों को अगर देखें तो देखते ही रह जाएं देखने वाले। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आपको मोना लिज़ा से, ज़कूटा जिन से, बिल्बतोड़ी से और हमारी चिली मिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। ये कराची की, मोना लिज़ा की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, ये कराची की सबसे पहली इतनी खूबसूरत बछिया है जिसको दिन में नज़र नहीं आता और इसकी खूबसूरती भी उन सबसे मुनफरिद है। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये चारों जानवर आपको कैसे लगे।